हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कैप्सूल यूट्यूब चैनल। सो हियर इज द बिग अपडेट कमिंग फ्रॉम IIT ISM धनबाद, विच इज फॉर द एडमिशन ऑफ M.Tech प्रोग्राम। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक लिंक है एडमिशन, यहाँ पे आप क्लिक करना। सो इट विल डायरेक्टली टेक यू इन द न्यू टैब। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी में M.Tech पे क्लिक करना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक अपडेट आ चुका है। दिस इज द 2 ईयर M.Tech प्रोग्राम। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द M.Tech एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 विल कमेंस फ्रॉम द 70th of March 2022। दिस इज द टेंटेटिव, बिकॉज गेट का रिजल्ट समथिंग उतने ही तक प्रोजेक्टेड है आने का, लेकिन गेट का रिजल्ट अपने एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड डेट से 2-3 दिन पहले ही आ जाता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट गेट का जो रिजल्ट है अभी ये 12 से 13 के बीच में ही आ जाएगा। तो 70th से इन लोगों ने टेंटेटिव रखा है, मे बी इट विल एक्सटेंड फर्दर। बट यहाँ पे इन्होंने एडमिशन ब्रोशर भी यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया। यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोग्राम इज टू ट्रेन द स्टूडेंट फॉर द हाई लेवल नॉलेज एनेबलिंग टू टैकल द रियल लाइफ प्रॉब्लम इन टेस्टेड फील्ड्स। मतलब M.Tech का बेसिक ये उन लोगों का मतलब जो विजन है वो दिखाया है। फिर यहाँ पे कौन कौन M.Tech जैसे ऑफर कर रहे हैं, 3 डिफरेंट मोड्स, दैट इज द गेट स्कोर फॉर द गेट कैंडिडेट्स, IIT ग्रेजुएट्स विथ B.Tech डिग्री एंड कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड। ये 3 कैटेगरी होती हैं, इनमें ये ऑफर कर रहे हैं। सॉरी, हियर इज द इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा M.Tech वाले, और इलेक्ट्रिकल कैप्सूल का जो अलग सा ग्रुप है उस पर भी शेयर कर दूंगा। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इस वेबसाइट के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। सो यहाँ पे कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। आई विल स्किप दिस पार्ट, यू कैन रीड बाई योर ओन सेल्फ दैट यहाँ पे गेट कैंडिडेट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सो ये बाकी जो भी पुराने वीडियोज देखते आ रहे हो तो समवट सेम ही है। बस यहाँ पे एक जो नया अपडेट इस बार क्या दिख रहा है, दिस इज दैट इन्होंने कुछ कुछ M.Tech प्रोग्राम्स हैं जो अपडेट किए हैं, लाइक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, यहाँ पे प्रोग्राम कोड GPA है, यहाँ पे ऑफरिंग डिपार्टमेंट अप्लाइड जियोफिजिक्स, यहाँ पे इन्होंने पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले अलग अलग होता था इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बना दिया है। इसको डबल ई करके प्रोग्राम कोड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर्ड कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको जो डिग्री है वो पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ना होके अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम पे ही मिलेगी M.Tech प्रोग्राम। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्यूल, यहाँ पे जो भी दूसरे हैं मतलब ब्रांचेस मैकेनिकल वाले, फ्यूल, मिनरल, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, फिर डेटा एनालिटिक्स। सो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे इन्होंने कंबाइन कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हो, फॉर इलेक्ट्रिकल पीपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, तो ECEE, IIN तीनों कर सकते हैं। B.Tech का इक्विवेलेंट डिग्री क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव जो भी हैं तो यहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रह नहीं गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो क्वालिफाइंग डिग्रीज, डिसिप्लिन एंड गेट पेपर कोड्स फॉर द M.Tech प्रोग्राम। सो मैंने पहले ही पिछले भी IIT दिल्ली वाले वीडियो में कहा था कि जो ब्रांच जो कुछ लोग हैं जो भी मिथ फैलाते हैं कि ये पावर सिस्टम सुपीरियर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सुपीरियर है, सो दिस इज नथिंग। यहाँ पे सब चीज यहाँ पे IIT में जाके एक लेवल पे आ जाती है। और यहाँ पे दिख सकता है कि अब पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड एक दूसरे से काफी ज्यादा अब एंड मतलब काफी ज्यादा इंटीग्रेट हो चुकी है कि वो दोनों एक दूसरे में ही अब मतलब नीड है, तो उन लोगों ने कंबाइन कर दिया उस चीज को। अब आपको दोनों उसमें कंबाइंड फ्रेश सिलेबस मिलेगा, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होगा और पावर सिस्टम का भी होगा। सो दिस इज द पार्ट डाटा डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ्स कंप्यूटिंग एंड MCA। सो दीज आर द M.Tech प्रोग्राम्स विद कोड एंड गेट पेपर कोड्स यहाँ पे जो है, जो इस बार गेट में 2022 में होंगे अपेयर। जितने भी सब्जेक्ट्स थे ये हैं। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की जनरल कैटेगरी में 10 सीट्स, OBC में 7 एंड सिविल इंजीनियरिंग 13 फॉर द UR कैटेगरी एंड 9 फॉर द OBC एंड SC/ST रेस्पेक्टिवली 5 एंड 2। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीट्स हैं अब 16 एंड OBC में 11। सो टोटल मिला के यहाँ पे 25-27 सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 50, फिर 40 एंड EC में भी 50 है, एंड बाकी डेटा एनालिटिक्स में 17 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा 80 एंड रिस्पेक्टिवली। तो 596 सीट्स के लिए इस बार टोटल एडमिशन M.Tech में होगा यहाँ पे धनबाद में। सो दीज आर दी टेंटेटिव डेट्स। ऑनलाइन फॉर March 17 विल बी द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एंड डेट ऑफ द रिटन टेस्ट फॉर द स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स ओनली विल बी 23 जून, एंड कोप काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे रिजल्ट आपको फ्लैश करेगा। सो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट्स होंगे इस पोर्टल पे ही आपको मिलेगा IIT धनबाद के रिकॉर्डिंग।
तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बिकॉज यहाँ पे एक अपडेट आ चुका है। एंड फॉर फर्दर जो भी यहाँ पे डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, मैं क्लियर करूँगा, इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ मैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू एमटेक अपडेट। थैंक यू एवरीवन।